हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूँ एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में जानेंगे 12th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन, जिसमें जानना है द्वितीयक सेल के बारे में। पिछले वीडियो में देखे थे प्राथमिक सेल में आया था, जिसको दोबारा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी सेल को एक बार उपयोग करने के बाद सेल जो है डेड हो जाता है। आज के वीडियो में जानेंगे द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल कहने का अर्थ होता है इसके अंतर्गत वैसा सेल आएगा जिसमें हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बार बार कर सकते हैं, अर्थात इस सेल को चार्ज करेंगे, फिर से इसका उपयोग करेंगे, डिस्चार्ज होगा, फिर से इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, यानी इस सेल का उपयोग हम लोग बहुतों बार कर सकते हैं, वही हो जाता है द्वितीयक सेल। और इस सेल का उपयोग हम लोग देखते हैं कि जो गाड़ी है, कार है, बस है, ट्रक है, बाइक है, ये सब में जो सेल लगता है, ये सेल का उपयोग हम लोग मतलब बार बार अपने आप जो है वहां पे चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर वहां पे हम लोग इसको चार्ज करते हैं। या मोबाइल फोन में ही देख लीजिए, मोबाइल फोन का ही बैटरी जो हम लोग बार बार चार्ज करते हैं, बार बार डिस्चार्ज होता है, यानी द्वितीयक सेल के अंतर्गत वैसा सेल आ जाएगा जिसको हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं, यानी डिस्चार्ज होने पे फिर से उसको चार्ज कर सकते हैं। कहने का अर्थ इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इस रिडॉक्स रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, तो यही होता है द्वितीयक सेल। तो यहाँ पे द्वितीयक सेल का अगर परिभाषा बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, द्वितीयक सेल का परिभाषा बोलेंगे वैसा वैद्युत रासायनिक सेल, क्या लिखेंगे इसमें, वैसा वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जान रहे हैं ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होना, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, अर्थात जिसको पुनः चार्ज किया जा सकता है। क्या कहलाएगा, द्वितीयक सेल कहलाता है। तो यहां से पता चल गया द्वितीयक सेल क्या है, द्वितीयक सेल मतलब वैसा वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, अर्थात जिसको पुनः चार्ज किया जा सकता है, वो जो है द्वितीयक सेल कहला जाएगा। द्वितीयक सेल के अंतर्गत आ जाएगा लेड स्टोरेज सेल, जिसको लोग हिंदी में सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत आ जाएगा निकेल कैडमियम सेल, यानी सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है लेड स्टोरेज सेल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सीसा संचायक सेल, और इसी के अंतर्गत आता है निकेल कैडमियम सेल। तो इसमें दोनों सेल के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सीसा संचायक सेल, यानी ये सीसा संचायक सेल का ही इंग्लिश नाम क्या होता है, लेड स्टोरेज सेल। तो ये सीसा संचायक सेल क्या है, सीसा संचायक सेल जो है इस सेल का उपयोग वाहन वाहन यानी गाड़ी जो है, जितना भी प्रकार का वाहन है, बाइक हो गया, कार हो गया, मोटर गाड़ी जो भी है, जितना भी प्रकार का, यहाँ तक कि रेलगाड़ी, ये सभी में हम लोग इसी लेड स्टोरेज सेल का उपयोग करते हैं। यानी इन्वर्टर में देखते रहिएगा कि जो बैटरी लगता है वो सभी सीसा संचायक सेल यानी लेड स्टोरेज सेल होता है, और ये जो लेड स्टोरेज सेल है ये सेल जो है प्रत्येक सेल इसमें 2 वोल्ट का होता है, और हम लोग को 12 वोल्ट का बैटरी प्राप्त करना रहता है।
क्योंकि जितना भी प्रकार का वाहन है लगभग सभी में बैटरी आप छोटा दिखतेगा, बाइक में छोटा बैटरी लगता है फिर भी वो 12 वोल्ट रहता है, और कार में बड़ा है, फिर ट्रक में उससे भी बड़ा है, या इन्वर्टर का बैटरी देखते हैं वो और ज्यादा बड़ा है, तो वो सभी बैटरी 12 वोल्ट का ही होता है। सभी बैटरी 12 वोल्ट का ही होगा और सभी बैटरी में 6 सेल, क्योंकि प्रत्येक सेल का क्षमता 2 वोल्ट होता है, और 12 वोल्ट का बैटरी प्राप्त करने के लिए, 12 वोल्ट का बैटरी बनाने के लिए सभी 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे हम लोग को 12 वोल्ट का बैटरी प्राप्त हो जाता है। तो जितना भी बैटरी है, छोटा बैटरी भी 12 वोल्ट और बड़ा बैटरी भी 12 वोल्ट, दोनों में डिफरेंट क्या आ जाता है, बड़ा बैटरी भी 12 वोल्ट ही है तो वहां पे देखते हैं वो ज्यादा देर टिकता है। वहां इसीलिए ज्यादा देर टिकता है कि उसके अंदर जो सेल है, बड़े वाले बैटरी में जो सेल का उपयोग किया गया है, उस सेल में स्टोरेज क्षमता, एनर्जी को ग्रहण करने का क्षमता, स्टोर रखने का क्षमता अधिक रहता है, जिसके कारण उसको चार्ज करने में भी टाइम लगता है और वो अधिक समय तक लगातार जो है विद्युत ऊर्जा प्रदान करते रहता है। बाइक में भी जो बैटरी देखते हैं वो छोटा सा है, लेकिन फिर भी वो 12 वोल्ट का ही है, तो उसके अंदर जो सेल का उपयोग किया जाता है, जिस सेल का उपयोग किया जाता है, उस सेल में स्टोरेज क्षमता जो है वो कम रहता है, लेकिन वो बैटरी जो बना है वो भी 12 वोल्ट का ही है। यहाँ पे ध्यान रखना है, सीसा संचायक सेल जो है, इस बैटरी का उपयोग अधिकतर वाहन में होगा और इसमें प्रत्येक सेल का क्षमता 2 वोल्ट और 12 वोल्ट का बैटरी प्राप्त करने के लिए सभी सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। यहाँ पे सीसा संचायक सेल, तो जितना भी बैटरी देखे हैं, इससे पहले भी बैटरी देखे थे, तो बैटरी यानी सेल में क्या होता है, एक एनोड पर कार्य करता है, एक कैथोड का कार्य करता है, फिर इस सेल को सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए वैद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है, और तब जाके इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया होता है और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप ही इनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग इस सेल में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इस सेल का उपयोग अधिकतर वाहनों में किया जाता है, वाहनों में किया जाता है। इसमें प्रत्येक सेल की क्षमता 2 वोल्ट होती है, 2 वोल्ट होती है, तथा 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त करने के लिए सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सेल को क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और यहाँ पे जो है, ये जो सेल है सीसा संचायक सेल यानी लेड स्टोरेज सेल, इस सेल में लेड जो है वो एनोड का कार्य करेगा और लेड डाइऑक्साइड जो है वो कैथोड का कार्य करेगा, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसमें वैद्युत अपघट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। जैसे देखते हैं बैटरी का पानी, जानते हीगा कि बैटरी जो है हम लोग जो देखते हैं 12 वोल्ट का बैटरी या इन्वर्टर का जो बैटरी है, ये सभी बैटरी में बैटरी का पानी दिया जाता है, बैटरी का पानी, और वो बैटरी का पानी क्या होता है, वही सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जो बैटरी का पानी अगर खरीद के लाइएगा तो उस पे अगर लेबल चिपका हुआ होगा, स्टिकर चिपका हुआ होगा, तो निश्चित रूप से वहां देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ रहता है। तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वही वैद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है, तब जाके अभिक्रिया संपन्न होता है।
तो यहाँ पे अगर हम बैटरी में पानी नहीं देंगे, बैटरी का पानी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं देंगे, तो वो सेल जो है धीरे धीरे डेड हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए जो है जैसे ही बैटरी का पानी धीरे धीरे कम जाता है, तो उस समय सल्फ्यूरिक अम्ल जो है निश्चित रूप से दिया जाता है, यानी बैटरी का पानी दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसमें इसमें लेड इसमें लेड लेड यानी पीवी, या बोल सकते हैं यह जो है यह मुख्यतः लेड का बना होता है, लेड का बना होता है जो एनोड का कार्य करता है, जो एनोड का कार्य करता है, तथा लेड डाइऑक्साइड मतलब बोल सकते हैं लेड डाइऑक्साइड मतलब PbO2 तथा लेड डाइऑक्साइड कैथोड का कार्य करता है। लेड डाइऑक्साइड किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। और H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत अपघट्य, और H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है, तो इलेक्ट्रोड मतलब हो गया एनोड तथा कैथोड पे जो अभिक्रिया होता है, एनोड और कैथोड वही इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड पर निम्न अभिक्रिया होती है, तो इलेक्ट्रोड पर निम्न अभिक्रिया होती है। यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 जो है ये टूट जाएगा 2H+ और SO4- में टूटेगा। यहाँ पे लेड यानी पीवी जो है वही एनोड का कार्य करता है, तो एनोड पे जो अभिक्रिया होगा PV+ SO4- जो है ये यहाँ पे क्या करेगा, PbSO4 हो गया, और यहाँ पे जो है 2- है यानी यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ये अभिक्रिया क्या हो जाएगा, एनोड पर होगा, एट एनोड। ये अभिक्रिया कहाँ होगा, एनोड। कैथोड पे क्या होगा, PbO2+ SO4- +4H+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा PbSO4 प्लस में 2H2O। यहाँ पे देखेंगे इतना ही आ जाएगा, अभिक्रिया जो संतुलित है। और ये अभिक्रिया कहाँ रहा है, ये कैथोड पर हो रहा है, एक एनोड पे हुआ और एक कैथोड पे। अब दोनों अभिक्रिया मिल जाएगा तो इसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो जान रहे हैं अभिक्रिया में तीर से पहले वाला और नीचे वाला अभिक्रिया में तीर के बाद वाला से कट जाता है, तीर के बाद वाला से कट जाता है। तो यहाँ पे SO4 भी तीर से पहले ही है, यहाँ पे भी तीर से पहले ही ये SO4- है, ये दोनों नहीं कटेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये दोनों जो है ये क्या जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बच गया, पीबी बचा, पीबी यहाँ पे क्या बच गया है, पीबी बचा हुआ है प्लस PbO2 प्लस। अब यहाँ पे देखिए, इस तीनों को मिलाइए, इस तीनों को सब तीर से पहले इस तीनों को जोड़ना है। यहाँ पे देख रहे हैं SO4 क्या को दिख रहा है, दो को दिख रहा है, ये तीनों को मिलाना है, ये तीनों इस तीनों को ध्यान से देखना है, इस तीनों को जोड़ेंगे, इस तीनों को जोड़ेंगे, SO4 और SO4 दो गो SO4 हो गया, SO4 और SO4 दो गो SO4 हो गया। अब 4H+ को हम लोग 4H+ को 2H2 लिख सकते हैं, 2H2 यानी यहाँ पे क्या हुआ, दो दो ना 4 OH हो गया,
4H को क्या लिख सकते हैं? 2H2 लिख सकते हैं। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पे दो तो आ गया, दोनों में कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे H2SO4, तो H2SO4 हो गया। यहाँ से देखिए, जब हम इसको जोड़े, ध्यान से समझना है, SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस, 2SO4 माइनस माइनस, 4H प्लस को 2H2 प्लस लिख सकते हैं, 2 × 4H+। अब यहाँ से दो तो आ गया साइड, SO4 और H2, H2SO4 हो गया, अब पहले दो, यानी यहाँ पे हम देखे हैं कि ये जो लिखा हुआ है, इस पूरा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस पूरा को लिख सकते हैं 2H2SO4, ये लिख सकते हैं। फिर तीर लगा दिए, यहाँ पे देखिए PbSO4, PbSO4, 2PbSO4 हो गया, अब प्लस में ये 2H2 हो गया। इस तरह से पूरा का पूरा रिएक्शन ये हो जाता है लेड स्टोरेज सेल में। ये आ गया लेड स्टोरेज सेल के लिए रिडॉक्स रिएक्शन आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे समझ गए लेड स्टोरेज सेल, जिसका उपयोग सीसा संचायक सेल का उपयोग बहुत जगह होता है, और ये सेल जो है पूछ भी दिया जाता है सीसा संचायक सेल के बारे में बताया, तो इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ये आ गया पहला लेड स्टोरेज सेल। अब हम लोग जानेंगे निकेल कैडमियम सेल। दूसरा क्या है? निकेल कैडमियम सेल, इस साइड हम साफ कर देते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे निकेल कैडमियम सेल, और ये निकेल कैडमियम सेल जो है, इस सेल का उपयोग फोन में, यानी जो मोबाइल फोन का उपयोग हम लोग करते हैं, उस मोबाइल फोन में इसी निकेल कैडमियम सेल का ही उपयोग होता है। किसका उपयोग होगा? निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल। इसके अलावा बहुत जगह कैलकुलेटर में भी देखते हैं कि बैटरी जो लगा रहता है, जो चार्जेबल बैटरी रहता है, तो वो भी निकेल कैडमियम सेल ही रहता है। यानी हम बोल सकते हैं निकेल कैडमियम सेल का उपयोग जो है मुख्यतः फोन, कैलकुलेटर इत्यादि में किया जाता है, और ये निकेल कैडमियम सेल में, निकेल कैडमियम सेल जो है, इसमें कैडमियम एनोड का कार्य करेगा, और निकेल डाइऑक्साइड जो है वो कैथोड का कार्य करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस सेल का उपयोग मुख्यतः फोन कैलकुलेटर इत्यादि में किया जाता है, जो रिचार्जेबल, यानी ये सब जो बैटरी है मोबाइल में देखते हैं, जो रिचार्जेबल होता है मोबाइल फोन में, हम लोग देखते हैं जो बैटरी लगा रहता है उसको हम लोग चार्ज करते रहते हैं, फिर डिस्चार्ज करते हैं। इसमें ये जो निकेल कैडमियम सेल है, इसमें जो है कैडमियम एनोड का कार्य करता है, तथा निकेल डाइऑक्साइड निकेल डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? NiO2। तथा निकेल डाइऑक्साइड कैथोड का कार्य करता है, और KOH, ये जो बैटरी है, ये जो सेल है निकेल कैडमियम सेल, इसमें KOH तथा KOH इलेक्ट्रोलाइट, यानी वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। तो इलेक्ट्रोड पर निम्न अभिक्रिया होता है
निम्न अभिक्रिया होता है। यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होगा? तो इसमें जो रिएक्शन होगा, जो अभिक्रिया होगा, यहाँ पे KOH है, तो KOH जो है, KOH किसमें टूटेगा? K प्लस और किसमें? OH माइनस में। यहाँ पे जो है कैडमियम यानी CD, कैडमियम जो है यही एनोड का कार्य करता है, तो एनोड का कार्य करेगा, तो यहाँ पे CDOH का हॉल 2, यहाँ पे दो लगा दिए संतुलित करने के लिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गया। ये अभिक्रिया जो होता है एनोड पर होता है, ये अभिक्रिया कहाँ हो जाएगा? एनोड पे। कैथोड पे क्या होगा? निकेल डाइऑक्साइड NiO2, ये क्या करेगा? H2O, और ये क्या बना लेगा? NiOH का हॉल 2, और यहाँ पे प्लस में 2OH माइनस, तो यहाँ पे भी संतुलित करने के लिए दो दे दिए और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2H माइनस है। ये अभिक्रिया हो गया कैथोड के लिए, ये अभिक्रिया कैथोड के लिए हो गया। जब दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, तीर से पहले CD बचा हुआ है, 2OH माइनस 2H माइनस कट जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या? CD बचा, प्लस NiO2 बच गया, प्लस यहाँ पे 2H2O भी बच गया। तीर के बाद क्या बचा? CDOH का हॉल 2 प्लस में NiOH का हॉल 2, ये हो गया टोटल अभिक्रिया। तो जो हम लोग सेल बैटरी में उपयोग करते हैं, मतलब मोबाइल फोनर में, वो होता है निकेल कैडमियम सेल, तो ये इसी तरह से होता है, इसके अंदर यही अभिक्रिया होता है। और मोबाइल फोन में जो बैटरी का उपयोग होता है, इसके बारे में निश्चित रूप से जानने में इंटरेस्टेड होइएगा कि क्या होता है, बहुत सारे बैटरी में किस तरह से ये उपयोग होता है, तो ये बहुत सारा इसके बारे में डिटेल्स जो है, ये सिलेबस में आप लोग को यही है, ट्वेल्थ सिलेबस में यही है, लेकिन एक्स्ट्रा बात मोबाइल फोन के बैटरी के बारे में एक्स्ट्रा बात जो है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें केवल और केवल मोबाइल फोन के बैटरी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां से अच्छे से वहां पे आएगा आइडिया, सारा चीज समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आप लोग के सिलेबस में यही चीज जानना है, ट्वेल्थ जो सिलेबस है उसमें निकेल कैडमियम सेल के बारे में यही, कौन एनोड पे कार्य करता है, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा कार्य करता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभार पूछ दिया जाता है, निकेल कैडमियम सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है या वैद्युत अपघट्य के रूप में कौन सा कार्य करता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है।